गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, और इसके अंदर हम दो नए ट्रिक्स और बताएंगे जो आपको किसी भी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे बता सकते हैं, और नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो लास्ट जो था वो हमारे पास था सिग्मा बॉन्ड, जो हमने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो होता है जो ऑर्बिटल के एंड टू एंड कोलिजन से बनता है, मीन्स ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड बताया था जो हमारा साइड वाइज से बनता है, ठीक है। तो अब किसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे उसके लिए मैं ट्रिक्स बता देता हूँ आपको, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करोगे उनकी वो बताता हूँ। पहले देखो, हमारे पास है सबसे पहले है अल्केन। अल्केन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा है आपका अल्कीन, अल्कीन में क्या है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तीसरा है आपके पास अल्काइन, वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। आपको इनके अलावा कार्बन के नहीं, किसी में भी सिंगल डबल और ट्रिपल के अलावा आपको बॉन्ड नहीं मिलेंगे। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये शेप से पता चलता है आपको, ये शेप आपकी ऐसे होती है कि कार्बन है इसके अंदर ये टेट्राहेड्रल शेप में आता है अल्केन, इस तरह की आपकी क्या होती है वो शेप होती है। तो इसमें जो हाइड्रोजन इनके साथ जुड़ता है वो सारा का सारा कैसे जुड़ता है, जैसे CH4 में ये चार जुड़ गए, ठीक है। आप कहोगे सर S कापने के लिए, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक होता है 1s1, और S की शेप होती है स्फेरिकल। ये हाइड्रोजन इस, ये आपका ऑर्बिटल है पी इसका कार्बन का, उनके साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा, तो ये एक सिग्मा 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 सिग्मा। तो याद रखना, जब आपके पास सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो इसमें क्या होता है 1σ0π इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा जो आपके पास है अल्किन, इसमें आपका होता है 1σ1π, इसमें आपका होता है 1σ2π। ये कैसे होते हैं स्ट्रक्चर से बताएं। तो अल्किन में मान लो आप कार्बन लेके चलते हो, तो इस कार्बन के अंदर आप एक शेप ये इधर ले लेते हो, दूसरा आपके पास ये इधर हो जाता है, एक इधर और आपका एक इधर, ठीक है। दूसरा इस कार्बन, दूसरे कार्बन का ये हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर ये हो जाता है, ये हो जाता है, और ऑर्बिटल इस तरह से बनता है। तो इसके अंदर ये तो सिग्मा हो गया एक, और ये ऑर्बिटल जो है ये अनहाइब्रिडाइज होते हैं, क्या होते हैं अनहाइब्रिडाइज, जो पाई बॉन्ड से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं पाई से। अब बाबू सर यहाँ से जुड़ गए यहाँ से, नहीं ये पी ऑर्बिटल है, और पी ऑर्बिटल जो जुड़ते हैं तो उनके दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जरूर हैं, बट ये जुड़ा है ये तो है तो एक ही पाई बॉन्ड ना, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो जगह पे होते हैं, इसके सिग्मा का इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही जगह पे होता है, इसलिए इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। टर्सरी में ऐसे ही एक, और टर्सरी के अंदर क्या अल्काइन में अगर आएगा तो सी, ये इधर एच होता है इनका, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये एच होता है, तो इनको ऑर्बिटल्स में काउंट कर लो। तो ऑर्बिटल्स में काउंट करोगे तो आपके पास ये सी था, ये एक ऑर्बिटल, दूसरा कार्बन था इसका एक और ऑर्बिटल, तो आपके पास ये हुआ, ठीक है। इसके बाद ये इसकी शेप बनी है इस तरह से, आप दिखाओ एक ऑर्बिटल ये, एक ये, एक थोड़ा इधर, एक इधर, ऐसे इसके अंदर एक दो और एक ये, एक ये, तो एक ये ये इसके और इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ये आपका पाई बॉन्ड हुआ। तो भाई देखो, दो पाई बनेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, तो दो पाई, और ये बन गया इनके बीच में सिग्मा, ठीक है। तो इसलिए इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स इसके अंदर जो कार्बन दिखाते हैं वो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो शेप के अंदर दिखाना पड़ता है आपको, बट आपका एक्चुअली जो ट्रिक्स था वो ये था कि आप इस बात को ध्यान रख लो, जैसे मैंने बताया इनको देख कर, कि आपके पास जो अल्केन होते हैं उसमें एक सिग्मा होता है, अल्केन जो होती है उसमें एक सिग्मा एक पाई, अल्काइन में एक सिग्मा और दो पाई। दूसरा जो अल्केन होता है इसके अंदर जब जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो ना, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे, जिसमें ये हो वो sp2 रखेंगे और ये हो वो sp रखेंगे। इस ट्रिक को अगर आप याद रख लेते हो तो आप किसी भी जो मोलिकुलर उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा पाई और हाइब्रिडाइजेशन आप उसके अंदर बता सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा, जैसे आपके पास है, स्टार्ट करते हैं, हम चार पांच एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, ये कर लेना, काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आया है, एक सेकंड में कर सकते हो।
मान लो पहला है आपसे कोई ये कह रहा है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री में बताओगे कितने सिग्मा, हाउ मैनी, क्वेश्चन लिख देता हूँ, हाउ मैनी सिग्मा पाई बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको बताना है। देखो इसको ओपन कर लो, एच 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 एच, तो मैंने आपको बताया था, आप ये देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वही मिलेंगे ज्यादातर, तो ये जो बॉन्ड दिखे नहीं ना वो समझ लो सिंगल है, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, ठीक है, आपके पास इनमें सारे सिंगल दिख रहे हैं मेरे को, तो ये ऐसे हो गए, ये सिग्मा और ये भी आपका सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो क्या हुआ 4 3 7 3 10, 10 सिग्मा और 0 पाई, इनके अंदर ये होगा, ठीक है। अब मैं एक दो और बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल जैसे सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसकी बतानी है, तो इसको ओपन करो सबसे पहले, तो ओपन जब आप करोगे तो ये होगा सी एच, भाई जो नहीं कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है, 4 होती है एच, तो सबसे पहले सिंगल अगर आपके पास बॉन्ड है तो सबसे सिंगल पे सिग्मा लगाओ, तो सिंगल में क्या हो जाएगा सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई, अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6, सिक्स तो सिग्मा है और 2 पाई इसके अंदर बॉन्ड है, ठीक है। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताएं, तो कहता है कि इस कार्बन की बताओ, तो आप इस कार्बन पे देखो कि ये कार्बन जिनसे जुड़ी है उसमें क्या कौन से बॉन्ड है, तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, अगर 1 सिग्मा हो 0 पाई, सिग्मा हो चाहे कितने भी 1 पाई होगा, सिग्मा हो चाहे कितने भी 2 पाई होगा, तो अगर ये है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स ये अल्केन है, ये होगा तो अल्कीन है sp2, और ये है तो sp, तो मान लो मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, ये कार्बन चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड से है, कोई पाई नहीं है, कोई पाई नहीं है तो 0 पाई है, इसका मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन जुड़ा है। इस कार्बन की बात कर लो 1 2 3 4, चारों के चारों सिग्मा है, कोई पाई नहीं है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा है। इसमें देखें ये 1 2 3 4 है, तो ये भी sp3 से है, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, ये चारों तरफ सिंगल से है तो ये sp3, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो श्योर ये sp है, ये कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से है तो ये भी आपका sp है, तो याद रखना अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आपके पास 1 सिग्मा बॉन्ड और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर आपके पास sp3 हो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई और sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक दो और एग्जाम्पल देखें, ओपन स्ट्रक्चर बना के लेविस डॉट और आप उनको क्या कर दो शेप्स बता दो उसकी, और शेप के बाद उसमें जो ये 3 बातें पूछी है बता सकते हो, मैं 5 प्रैक्टिस कराऊंगा, CH3COOH है इसकी बतानी है, तो इसको ओपन करते हैं हम, ये एच सिंगल से जोड़ा, ये सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ रही है और एच, अब देखो इसमें आप देखते हैं इसमें ये सिंगल है सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिंगल है सिग्मा और पाई, ये क्या है सिग्मा, तो काउंटिंग क्या तो हुआ 3 4 7 7 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, ये कार्बन सिंगल से जुड़ी है तो sp3, ये कार्बन डबल से जुड़ी है तो ये कार्बन sp2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको आपको देखना है और उसी के बेस पे ही इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है मान लो एक और बताता हूँ आपको, CH3C BN इसके साथ बताना है, तो ये हो जाएगा एच 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 CN, तो क्या होगा सिग्मा 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 और 2 पाई, तो 3 2 5 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल सकते हो। मैं अब एक बड़ी स्ट्रक्चर बता के आपको लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बड़ी स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको, कोई मान लो मैं कह रहा हूँ हैग्स 2 इन 3 आयन, हैग्स 2 इन 3 या 4 आयन, चलो ऐसे लिख देते हैं, हैग्स 1 इन 3 आयन, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 इन है या डबल बॉन्ड लगा देते, 1 2 3 ये ट्रिपल, हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करो CH3
CH2 यहाँ पूरी है, दो है, एक यहाँ दो, ओपन स्ट्रक्चर बढ़ाओ अब इसकी। हम अब इसकी ओपन स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जैसे CH2 है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर मैं बढ़ाता हूँ तो इसमें ये होगा, ये H डबल, ये H सिंगल, ये ट्रिपल, ये CH, ये H, ये H। अब इनमें बनाना शुरू करो। तो इसमें हमने देखा ये सिंगल है सिग्मा है, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 और दो पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। तो 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 तो सिग्मा हो गए, 3 पाई वो इसमें, ठीक है। अब हर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये कार्बन है, ये चारों सिग्मा है इस पे तो sp3, इस कार्बन के भी चारों सिग्मा है तो ये भी sp3, ये कार्बन है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी है यानी दो पाई है तो sp, इसका भी यही sp, ये डबल से जुड़ी है तो sp2, ये डबल से जुड़ी है तो sp2, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंगल डबल ट्रिपल देख के इस तरह हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड बता सकते हो। काफी हर एक साल छोड़ दूसरे साल इसके अंदर आपका ये क्वेश्चन रिपीट होता है कॉम्पिटेटिव में, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की इंटरमिक्सिंग बता देता हूँ कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके। तो सबसे पहले है, जैसे मान लो मैं CH4 का ले रहा हूँ, ऑर्बिटल बना के बताऊँ अब आपको। तो सबसे पहले आप ले लो सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम है कार्बन, एटम नंबर है 4 और कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2, मैंने 2s2 2p2, सॉरी एटम नंबर है 6, 2s2 2p2, तो ये मैंने 2s2 ले लिया और ये मैंने 2p2 ले लिया। ये दो टू वाले इसलिए लिए, ये इसलिए छोड़ दिया कि इनकी एनर्जी सेम है। अब हम इनको क्या करते हैं, हमें ऑर्बिटल्स वैकेंट देखने हैं 4, ये है 2, तो ये मैं इधर इसको शिफ्ट कर दिया। ये जो हो गया, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। और हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब इंटरमिक्स कौन कौन हुए हैं, 1s और 3p sp3, यहाँ तक आप अच्छे से सीख गए थे। अब मैं क्या करता हूँ, इन ऑर्बिटल बता दो, एस की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनका नाम होता है PX PY PZ। तो PX PY PX अलोंग एक्स एक्सिस डंबल शेप, PY अलोंग वाई एक्सिस, PZ अलोंग जेड एक्सिस। अब ये तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके आप कैसे बनाओगे ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल लिखने के बाद आप कार्बन की थी है, तो कार्बन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, तो आप इनको ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे, ये बीच में कार्बन रखो पेंसिल से, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऑर्बिटल बना दो, एक वो लाइन है ना उसको ऑर्बिटल बनाते चले जाओ, और ये बना दिया, और इसको साफ कर दो उससे, ऑर्बिटल में ये नहीं हो गया। अब इनमें थोड़ा थोड़ा ये दिख जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल में ये ही है। तो ऑर्बिटल में आपको कैसे दिखाना है ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ, बाकी तो आपको पता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये तो ये हो गई आपके पास sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ये बार बार मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल के याद कर सकते हैं इनको। तो अब क्या है, मैं आपको sp के बारे में बताता हूँ। sp में एक s और एक p जो होता है वो pz होता है भाई, sp z ऑर्बिटल, ठीक है, यही बस आपको इसमें बताना था। इसमें s 2p होता है, एक तो pz ही होता है और एक आपका px होता है, क्या होता है, px, ठीक है, ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। sp3 के अंदर जो है वो एक x, अभी मैंने बताया px py और pz ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, pz, ठीक है। अब ये इंटरमिक्स होके बढ़ाते कैसे ऑर्बिटल है, ये ऐसे बढ़ाता है, ये ऐसे ऐसे 180 डिग्री का एंगल और लीनियर शेप, इसमें कैसे बढ़ाता है, इसमें ऐसे बढ़ाता है, ये जैसे उसमें ज्योमेट्री होती है ऐसे ही इसमें भी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। ये होती है ट्राइंगुलर 120 डिग्री, और ये इसमें आता है ये,
ठीक है, इसमें होगी टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने वाले थे और जो ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं ऑर्बिटल की फॉर्म में, वो ऐसे मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये sp3 तक हो गया है, अब मैं बताऊंगा sp3d1। sp3d1, अब sp3d1 में क्या होता है, 8s 3p और 1d इंटरमिक्स। तो s स्फेरिकल, p में ये तीनों px वाला, py प्लस pz, एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलावा आपको दिखाना है। ठीक है, और डी जो होता है ना इसमें, वो आपका ये डी जेड स्क्वेयर होता है, कौन होता है, डी जेड स्क्वेयर। इनसे मिलने के बाद जो बनता है वो इस तरह से बनता है ऑर्बिटल, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप और 120 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल ऑर्बिटल में दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप कर चुके हो। sp3d2 अगर होता तो उसमें s3p2d, तो इसमें s तो स्फेरिकल, p की ये px हो गया, ये py हो गया और ये p सॉरी ये z हो गया, तो ये py हो गया। pz d में कौन सा होता है, एक तो dz स्क्वायर होता है भैया, ऐसे शेप होते हैं dz स्क्वायर, एक होता है जो d के अंदर ही आपके इस तरह की शेप रखता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसके अंदर जो होता है वो होता है एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये मिलने के बाद कैसे ऑर्बिटल बनाएंगे, जैसे उसमें बनता है वो, तो उनमें कोई बदलाव नहीं आता ऑर्बिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 90 डिग्री का एंगल, कर दोगे। अब बचता है आपका sp3d3। sp3d3 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ये 3d होते हैं ना, ये अलग होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। तो इसमें ये एक्स वाई है तो डबल डम्बल होती है, ये डी एक्स वाई की शेप हो गई। डी वाई जेड में ये भी डबल वाई एक्सिस के अनुसार हो जाएगा, आप एक्सिस बदल देना बस, और कुछ भी नहीं है के अंदर। डी ये वाई जेड हो गया, तो ये वाई एक्सिस, ये वाई मान लो, इसको जेड मान लो। ठीक है, अब डी जेड एक्स में क्या हो जाएगा, ये एक्स मान लो और ये डी जेड मान लो, ये डी जेड एक्स। ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, और बनता कैसे है, बनता ऑर्बिटल ऐसे है, इनके साथ जुड़ता है। ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल से और 90 डिग्री और 72 डिग्री का एंगल। ये शेप ऑर्बिटल वगैरह तो आप आराम से बना लो, बट आपको मैं ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके कैसे बनता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट्स देखने के बाद एक पॉइंट्स आपका एक टॉपिक और करवा देता हूँ, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, वो फिर हम वीबी थ्योरी पे बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। तो आज मैं आपको जो लास्ट टॉपिक है इस आज के लेक्चर का, वो मैं बता देता हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको क्या कहते हैं हम, वीबी थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट ये होता है, एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। मतलब एटम्स जो होते हैं डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर H प्लस H मिलके H2 बनता है, तो H अगर ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। पहला पॉइंट क्या था, कि एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने से पहले और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। दूसरा, जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म इज ड्यू टू इंट्रैक्शन, इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। देखो, जब कोई बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, इंट्रैक्शन होती है किसकी, ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी, जो एटम क्लोज आते हैं एक दूसरे के, यानी कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, तो इनके वैलेंस, ऑक्सीजन बना रहा है तो 2, 4, 6, 2, 4 और 6, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के जब क्लोज आते हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ही बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर यूज होते हैं। तो पहला तो क्या हुआ, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। दूसरा क्या होता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो इंट्रैक्शन जो होती है वो जो एटम्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होती है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये था, तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा, लूज कर देगा, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसे बॉन्ड नहीं रहेंगे। दूसरा जो इसका चौथा पॉइंट था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो ये था कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड जो होता है वो डिपेंड करता है कि फॉर्मेशन जो बॉन्ड हो रहा है उसकी इनर्जी कितनी है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स है जिसकी मिनिमम इनर्जी होगी तो वो उसके लार्ज अमाउंट में एनर्जी, अगर उसकी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, उतना ही बॉन्ड स्टेबल होगा। यानी कि इनर्जी अगर आपकी डिक्रीज होती है तो जो है बॉन्ड उतना ही ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। तो ये चार पोस्टुलेट्स थी, और इससे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन अगले लेक्चर में आएगा। तो क्या कहोगे, एटम्स जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इंट्रैक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट क्या था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड होती है वो किस पॉइंट पे फॉर्मेशन करती है, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं उनकी एनर्जी मिनिमम हो, और जितनी एनर्जी वो लार्ज डिस्टेंस पे होता होगा मॉलिक्यूल, तो वो क्या होगा, डिक्रीज इन एनर्जी होगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होता चला जाएगा, स्टेबल होता चला जाएगा। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन पे कम से कम 6-7 लेक्चर बता दिए हैं, एक कॉम्पिटेटिव पेपर में जरूर आएगा हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी, और आपका मोलिकुलर सॉरी वेस्पर थ्योरी से भी, और नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड भी निकालना, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। आप लोग इनको अच्छे से तैयार करना, आज तक के नोट्स जितने भी बचे हुए वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इनको अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी होगी वीबी थ्योरी पे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन है, एक अगर H2 और एक HE2, और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से अच्छे से करना, ये मैंने ऑर्बिटल है थ्योरेटिकल पोर्शन भी सिलेबस में इसलिए बता दिया, बट आपको जो शॉर्टकट मेथड बता रहा है उससे शेप हाइब्रिडाइजेशन और एंगल आपको पता होना चाहिए, उनके अलावा और कभी भी ना कॉम्पिटेटिव में ना सब्जेक्टिव में आता है, बट ये ऑर्बिटल कैसे बनते हैं वो भी बताना जरूरी था, क्योंकि ऑर्बिटल के ऊपर ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन चलती है, और जो हाइब्रिडाइजेशन हमारी होती है उनमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और सिंगल कोवलेंट में एक सिग्मा, डबल कोवलेंट में एक सिग्मा पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई आपके होते हैं, SP3, SP2 और SP हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस बेस पे आप इनको अच्छे से तैयार करोगे। थैंक यू।